आप सभी का स्वागत है ट्राइटेक स्टफ के इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कैमरा को क्लीन करें, कौन कौन से किट हमें यूज करना है कैमरे को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कैमरा बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिट होता है और इसको आप किसी भी यूनिट के साथ, किसी भी किट के साथ क्लीन नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप कैमरे के बॉडी को क्लीन करेंगे, आप कैमरे के लेंस को क्लीन करेंगे और कैमरे के अंदर के बैठे सेंसर एंड मिरर को आप क्लीन करेंगे। और उसके लिए जो किट आपको लगेगा वो किट ये है जो आप देख सकते हैं सामने। एक वैक्यूम का है, दूसरा कुछ पेपर्स हैं, कार्बन पेन है, अंदर ब्रश है, अंदर लिक्विड है जो कि अल्कोहलिक होता है, इसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, तो इससे क्लीन करने से कैमरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कैमरे के इंटरनल पार्ट से, फिर हम कैमरे के लेंस को क्लीन करेंगे। सो आप सब भी देख सकते हैं कि मैं इसको पहले इधर साइड कर देता हूं। आप देख सकते हैं ये कैमरा है जो कैनन का 70D, काफी पॉपुलर कैमरा, काफी एक्सपेंसिव कैमरा। और इस तरह के किसी भी DSLR को, निकॉन या कैनन या सोनी के किसी भी DSLR को आप जब क्लीन करें तो आपको ध्यान से करना है। आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, पूरे ध्यान से देखें, हर एक स्टेप को केयरफुल्ली फॉलो करें। आपने अगर कुछ गलत किया तो जो आपको नुकसान होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। सो आप देख सकते हैं कि मेरा कैनन का 70D का कैमरा है। मैं इसको भी ऑन करता हूँ। सो जब भी आप ऑन करेंगे तो आपको ये एक बार सेंसर, ऑटोमेटिक सेंसर क्लीन करता, आप देख सकते हैं कि सेंसर क्लीनिंग इज स्टार्टेड। और आप देख सकते हैं इस कैमरे में मैंने अभी तक लेंस नहीं लगाया है। और जब भी हमें इसे क्लीन करना होता है तो दो उपाय हैं। एक, हर एक कंपनी खुद ही सेंसर क्लीनिंग की ऑप्शन देती है। आप अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेंसर क्लीनिंग, जिसमें आपको तीन फैसिलिटी मिलते हैं। ऑटो क्लीनिंग जो मैं इनेबल कर रखा हूँ, जब भी आप फोटो कैमरे को ऑन और ऑफ करते हैं ये सेंसर को क्लीन कर देता है। क्लीन नाउ में आप जा करके क्लीन बोल सकते हैं, और क्लीन नाउ बोलने के वक्त आपका जो सेंसर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि डस्ट जो है उसमें ना जाए। और आप इसको अभी ओके बोल सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये सेंसर क्लीन कर रहा है, और आप देख सकते हैं इसने सेंसर को क्लीन कर दिया। पर कई बार सेंसर क्लीन होता नहीं है प्रॉपरली। सो जब ये प्रॉपरली सेंसर क्लीन ना हो तो हमारे पास उपाय है कि हम मैनुअल मोड में जाएं। और जब हम मैनुअल मोड में जाते हैं तो सेंसर में का जो ये मिरर है ये ऊपर की तरफ चला जाता है और हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो और ये सेंसर पे अगर कोई डस्ट है, दो जगह डस्ट हो सकते हैं। एक तो आप जब आई व्यूअर में देखते हैं, व्यूइंग एंगल में, उस वक्त अगर आपको उसमें डस्ट दिख रहा है, इसका मतलब है कि मिरर के ऊपर और निचली भाग में कहीं पे तो डस्ट पड़ा है। तो आपको क्या करना है, एक तो बैटरी आपके कैमरे की चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अगर चार्ज नहीं है तो ये कैमरा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप मैनुअल मोड में जाएं। और मैनुअल में जैसे ही आप जाएंगे, मिरर विल लॉक आफ्टर मैनुअली क्लीनिंग द सेंसर एंड टर्न ऑफ द पावर। सो आप जैसे ही ऑन बोलेंगे अभी आपको एक साउंड सुनाई देगा, और इस साउंड के बाद जो लेंस है वो आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ बंद हो चुका है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वैक्यूम क्लीनर से लेके ब्लो कर देना है, जो भी डस्ट है वो इससे बाहर आ जाएगा। जो भी इसमें पड़े डस्ट होंगे वो आपको दिखेंगे कि इससे बाहर। और इसको इसमें टच नहीं करना है, सिर्फ इसको पंप करना है, और ताकि आप इससे जितना भी इसमें डस्ट बैठे हों आप उसको रिमूव कर सकें। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है इसमें टच ना हो, लेंस काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसको आप सिर्फ इसको वैक्यूम कर दें और जो भी डस्ट है और नीचे की तरफ करें, ताकि जो भी डस्ट है वो नीचे की तरफ निकल जाए। और इस तरह से आपके कैमरे का जो लेंस है और जो लेंस के अंदर जो मिरर है वो साफ हो जाता है। और आप जैसे ही इसको फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे
ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और आप देख सकते हैं सेंसर क्लिक। इस तरह से आप कोई भी अच्छे DSLR कोई भी DSLR कैमरे का लेंस और मिरर को साफ कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जो आप YouTube में देख सकते हैं, पर मैं कहूँगा वो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी प्रोफेशनल लेवल की एक्सपर्टीज लगती है। अगर आप गलती करेंगे तो आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइस जो है आप उसको लूज कर सकते हैं और ये काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये था कैमरे का लेंस और मिरर कैसे क्लीन करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंस को कैसे क्लीन करना है, क्योंकि आपको पता है जितना कैमरा इम्पॉर्टेंट है उतना ही लेंस इम्पॉर्टेंट है। और आप ये देख सकते हैं ये लेंस है कैनन का ही 18x135 जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो STM है तो इसको ऐसे साफ नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो आपको ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी यूजफुल है, जो सब जगह ब्लो करना है ऊपर से भी ताकि कहीं डस्ट ना हो। और फिर इसके लेंस का जो जूम पार्ट है इसको बाहर निकालना है और फिर से आपको ब्लो करके इसमें कहीं भी डस्ट बैठा हो तो उसको ब्लो करके बाहर निकालना है। और फिर आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी ईजी है। जितने भी किट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सारे किट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अमेजोन से मैंने परचेस किया है लाइटनिंग डील में, ये कुछ 300 और 400 में ही सारे किट आ चुके हैं तो काफ़ी सस्ता है। जब भी डील हो तभी आप बाई करें। सो आप देख सकते हैं इस ब्रश से मैंने जो भी डस्ट था बाहरी पार्ट में वो क्लीन कर दिया। क्यों मैंने बाहर का पार्ट पहले क्लीन किया, क्योंकि जैसे ही हम जब इसका लेंस का कैप खोलेंगे तो डस्ट उसमें ना आए। सो आप ये देख सकते हैं मैं इसको बाहर, और मैंने इसके ऊपर फिल्टर भी लगा रखा है। सो इसको पहले हम ब्लो करेंगे और ब्लो करके जो भी डस्ट इसके ऊपर है हम उसको रिमूव कर देंगे और फिर हम इसका जो फिल्टर है जो मैंने लगाया है लेंस के सेफ्टी के लिए मैं उसको रिमूव करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा लेंस ऑलरेडी बहुत क्लीन है, फिर भी मैं इसको ब्लो कर लूँगा कि जो भी डस्ट इसमें आए होंगे जो हमने बाहर क्लिक करते वक्त खींचा है वो डस्ट बाहर हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेंस का पार्ट है इसमें आप कोई भी नॉर्मल क्लोथ या कपड़ा यूज़ ना करें ताकि इसमें स्क्रैचेस बैठें। एक तो जो भी डस्ट हो पहले पंप करके वैक्यूम से रिमूव कर दें, आपके घर में वैक्यूम क्लीनर से नहीं, हल्के ये छोटे से पंप वैक्यूम से। और फिर इसके लिए अलग से एक स्मॉल पेपर्स आती हैं जो आप कभी भी बाई कर सकते हैं इस तरह का, जो पेपर को सेंटर में लगाएं और फिर धीरे 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 सेंटर से घुमा घुमा के आप इस तरह से पूरे लेंस को साफ कर सकते हैं। इसमें कोई भी नॉर्मल पेपर या कपड़ा आप यूज़ ना करें, उससे लेंस खराब हो सकता है। और अगर उसके बाद भी आपको लेंस में दाग लग रहा है तो लेंस के लिए ये ब्लैक पेन आती है, कार्बन पेन आती है, जो आपको यूज़ करना है, जो उसके सेंटर में यूज़ करना हो धीरे 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 घुमा के उसके पूरे लेंस पार्ट को लगाना है। इससे लेंस पूरी तरह आपका क्लीन हो जाएगा और लेंस से काफ़ी अच्छे आपके फोटो आएंगे। और मैं इसका कैप लगा देता हूँ अभी, और हो सके तो हमेशा ही लेंस फिल्टर यूज़ कीजिए। लेंस फिल्टर से लेंस काफ़ी सेफ हो जाता है और सेफ्टी रहती है लेंस। ओके, ये तो हो गया लेंस का फ्रंट। जो बैक साइड है लेंस का जो कैमरे की तरफ जाता है वो आप देख सकते हो वो कैप है। ये कैप को खोलने से पहले जो भी इसमें डस्ट हो वो आप पक्का साफ कर दें और फिर ही इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ये ब्रश यूज़ करके इसमें जो भी डस्ट है ऊपर से उसको साफ कर दें ऊपर की तरफ, और वैक्यूम ले करके जो भी है वो नीचे की तरफ करके निकाल दें। उसके बाद इसमें भी सेम इसके भी बैक साइड के लेंस में कार्बन ही यूज़ करें ताकि उसको क्लीन करें। यहाँ पे आप कपड़ा या किसी और नॉर्मल या हार्ड चीज़ को ना यूज़ करें कि लेंस में कोई स्क्रैच आए, ये आपको ध्यान रखना है। सो इससे ये लेंस भी क्लियर हो जाएगा। और बॉडी क्लीन करने के लिए कुछ नहीं, एक काफ़ी लिक्विड्स आते हैं जो आपको यूज़ करने हैं, और जो क्लोथ आप देखेंगे इसके साथ आता है स्पेशली सॉफ्ट क्लोथ उस पर स्प्रे करना है
और फिर लेंस के बॉडी को भी आप इस तरह से लगा सकते हैं और लगा के क्लीन कर सकते हैं। बॉडी क्लीन करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अंदरूनी या इनसाइड किसी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करती है, तो आप इस तरह से इसके बॉडी को साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेंस का ऊपर का पार्ट भी काफ़ी शाइन करने लग गया है और सेम आपको कैमरे के ऊपर भी करना है। सो कैमरे के ऊपर भी करने से पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि फिर से ब्रश यूज़ करके सभी जगह से डस्ट जो भी है उसको आप पहले निकाल दें, क्योंकि डस्ट होने से, रब करने से स्क्रैचेज आ सकते हैं। और उसके बाद वैक्यूम यूज करें, वैक्यूम यूज करके आप इन सबको साफ करके रखें। और फिर एक क्लोथ जो स्पेशली इसके लिए बने इसको यूज करके बॉडी को आप साफ कर सकते हैं। और मैं सजेशन दूंगा कि इसमें मेमोरी कार्ड होती है लगी हुई यहाँ पे, सो मेमोरी कार्ड के पास में मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल के एक कभी कभी, हमेशा जरूरी नहीं, थोड़ा ब्लो कर दे ताकि गंदगी उसके अंदर लगी ना हो, अंदर रहे ना। सो ये सब करने के बाद आपका जो कैमरा होगा वो काफी मेंटेन रहेगा और उससे हमेशा ही पिक्चर्स काफी अच्छे आएंगे और आपके पास वो कैमरा काफी लंबे टाइम चलेगा। आपको कोई भी शिकायत, आपको कोई भी सजेशन या क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। कौन से किट यूज़ करने हैं, कौन सा ही कार्बन पेन यूज़ करना है, वो मैं लिंक अमेजोन का दे दे रहा हूँ, जो कि एनीवेज बहुत ही डील में ही परचेस करें, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी महंगे किट नहीं है। जितना महंगा कैमरा और लेंस है इसके प्रति तो मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। आप 200 or 300 में ये किट आपको, मैक्सिमम 500 में अच्छे ब्रांड का आपको ये किट मिल जाएगा, जो कि आपको लेना चाहिए। और उससे ही हमेशा जब भी आप बाहर आउटडोर के लिए कोई क्लिक करने जाएं और जब इन में आए तो आप इनको यूज़ करें और हमेशा कैमरा को साफ सुथरा रखें। मैं अगले हफ्ते फिर से आऊँगा दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अगर अभी तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अभी आगे अगर कोई हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बताएं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।